तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही जबरदस्त फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में। दोस्तों यह इतना अमेजिंग है कि यदि आप इसको देख लेंगे एक बार तो कहेंगे वाह कहे बिना नहीं रह सकते। दोस्तों इस तरह का ये फोटो एडिटिंग करेगा कि आप सोच नहीं सकते कि इस तरह से भी फोटो एडिटिंग हो सकता है सिर्फ वन क्लिक से। हाँ दोस्तों यदि जिस तरह का मैं आपको फोटो एडिटिंग दिखा रहा हूँ यदि इस तरह का यदि आप जाकर फोटोशॉप से करेंगे तो कम से कम आपको आधे से एक घंटे आपको समय लग सकता है इस तरह का फोटो एडिटिंग करने में। वो भी आप बहुत जानकार होंगे फोटो एडिटर का तभी कर सकते, लेकिन यह जो फोटो एडिटिंग है यह बहुत अमेजिंग तरह से फोटो एडिटिंग करता है। चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं कि ये फोटो एडिटिंग क्या है और कैसे ये वर्क करता है। ये नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टेक में। दोस्तों इस फोटो एडिटिंग ऐप का नाम है फोटो बीन। दोस्तों मैं वीडियो क्लाइंट बताऊंगा कि इसे आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहां पर देख सकते हैं ये मेरा फोटो एडिटिंग ऐप, यहां पर मैं इसे ओपन कर रहा हूं। जब इसे ओपन करेंगे तो आपको ऐड देखने को मिल सकता है। दोस्तों ऐड देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि यदि आप अपना इंटरनेट चार्ज ऑन करके रखेंगे तभी यह एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसलिए जब भी इस एप्लीकेशन को यूज कीजिए तो अपना इंटरनेट ऑन रखिएगा। चलिए दोस्तों इस तरह के इसका कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुल कर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नीचे बना हुआ है एक कैमरे का ऐप बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे के सिंबल पर आप क्लिक करेंगे। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगा कि आप किस तरह का फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी पहले से यहाँ बने हुए हैं किस तरह का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको कोई एक खोल कर यहाँ दिखा देता हूँ कि हम किस तरह का फोटो एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं इस तरह का, देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितना ही मज़ेदार यहाँ पे सब बना। यदि इस तरह का यदि आप हम फोटो एडिटिंग के लिए एप्लीकेशन को यूज करते हैं या फिर हम फोटोशॉप पे जाकर इस तरह करते हैं हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कैसे उसकी। चलिए यहाँ देख सकते हैं ये पहला वाला है, इसे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद इससे पहले आप एक बार डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सेकेंडों में लगता है डाउनलोड हो जाता है। उसके यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलेक्ट पर हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी फोटो ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से अपना ये एक फोटो मेरे पास है, इस फोटो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ये मेरा फोटो है, इस फोटो को मैं यहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं यस। यस करने के बाद दोस्तों ये यहाँ बताएगा कि इसको हम किस तरह से लेना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये ब्रश बना हुआ है, इस ब्रश के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। ब्रश के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं मैं इस फोटो को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जितने भाग को आप सेलेक्ट करेंगे उतना भाग ही आपको फोटो के अंदर दिखाई देगा और सब बाकी भाग कुछ और तरह से हो जाएगा। चलिए हम क्लिक करके देख लेते हैं, थोड़ा से आसपास का भी जगह ले लेते हैं कि थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको ले लिया। अब चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कि यह कैसे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं यस का निशान बना हुआ है, इसके हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यह मेरा कुछ अलग तरह से फोटो एडिटिंग यहाँ पे हो गया है। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में मेरे यहाँ से फोटो एडिटिंग हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। इसको आप सेव करना चाहेंगे तो यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करने के बाद इसे आप सेव कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। आप चाहेंगे तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये हो गया एक ऑप्शन हो गया कि इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं और भी इसके अंदर के ऑप्शन को देखते हैं कि और कैसे हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे बने हुए हैं, जिसको भी चाहिए उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और हम आपको यूज़ करके दिखाते हैं फोटो एडिटिंग। दोस्तों यह जो फोटो एडिटिंग है बहुत ही कमाल का फोटो एडिटिंग है। इसके अंदर देखिए, चलिए मान लीजिए ये एक 3D वाटर है। चलिए इस वाटर के अंदर हम आपको दिखाते हैं फोटो एडिट करके। देख सकते हैं इस तरह का ही कुछ हमारा फोटो एडिटिंग होगा। चलिए दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं जिस तरह का यह फोटो बना हुआ है सेम इसी तरह का फोटो एडिटिंग होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह का यदि आप बनाना चाहें तो कितना मुश्किल काम है इसको बनाना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक क्लिक करके आप फोटो अपना एडिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं ये मेरा एक फोटो यहाँ से पहला बना हुआ। चलिए यहाँ से मैं कोई और फोटो ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ किसी और फोटो पे। एक फोटो तो मैंने आप यहाँ पर ऑलरेडी बना चुका था, इसलिए एक मैं अपना फोटो और ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये मेरी एक फोटो है, इस फोटो को हम क्लिक करते हैं और फिर इसको इस तरह से देख सकते हैं कितना अमेजिंग और कितना अच्छे तरीके से ये मेरा फोटो एडिट हो चुका है। दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग तरह से ये लग रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना कमाल का दोस्तों एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को एक बार यूज जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से चाहे तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट, इसे आप जहाँ भी चाहें वहाँ पर आप डायरेक्ट इसको शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।